पिछले 33 साल के दौरान हरियाणा की पॉलिटिक्स में जिंदल परिवार का बड़ा नाम रहा है। ओम प्रकाश जिंदल, नवीन जिंदल और सावित्री जिंदल तीनों ही हरियाणा की पॉलिटिक्स में बड़े नाम हैं। ओम प्रकाश जिंदल ने जहां बंसीलाल के साथ मिलकर हरियाणा की पॉलिटिक्स की दिशा बदलने का काम किया, वहीं नवीन जिंदल ने कुरुक्षेत्र से MP बनकर दिल्ली में अपने नाम का डंका बजाया। सावित्री जिंदल ने भी हुड्डा सरकार में मंत्री बनकर अपने परिवार की पॉलिटिक्स को नए मुकाम पर पहुंचाया। 2019 में अचानक ही जिंदल परिवार पॉलिटिक्स से गायब हो गया। ना तो सावित्री जिंदल ने हिसार से विधानसभा का चुनाव लड़ा और ना ही नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र के चुनावी दंगल में उतरे। जिंदल परिवार के सियासत से एकदम गायब होने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जाने लगे। कहा गया कि BJP के प्रेशर पॉलिटिक्स के चलते जिंदल परिवार कोयला घोटाले से बचने के लिए पॉलिटिक्स से दूर चला गया है। 2024 के चुनाव को लेकर अचानक ही जिंदल परिवार फिर से एक्टिव हो गया है। सावित्री जिंदल ने हिसार की अपनी टीम को फिर से एक्टिव कर दिया है तो नवीन जिंदल के सिपाही सालारों ने भी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट का जायजा लेने का काम किया है। जिंदल परिवार का एकदम फिर से एक्टिव हो जाना पॉलिटिशियनों के कान खड़े कर गया है और इनकी एक्टिविटी को लेकर कांग्रेस और BJP दोनों में ही कानाफूसी शुरू हो गई है। अभी किसी को नहीं पता कि जिंदल परिवार 2019 के चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेगा या BJP से चुनावी दंगल में उतरेंगे। जिंदल परिवार की भूमिका 2024 के चुनाव में बेहद खास रहने वाली है। जिंदल परिवार आज इस पोजीशन में है कि अगर वो कांग्रेस की सीट पर सावित्री जिंदल हिसार से विधानसभा चुनाव लड़ती हैं तो भी वो MLA बनती हैं और BJP के टिकट पर चुनाव लड़ती हैं तो भी MLA बनती हैं। इसी तरह नवीन जिंदल कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर कांग्रेस की सीट पर भी MP बनने के तगड़े दावेदार हैं और BJP के टिकट पर चुनाव लड़ने पर भी वो जीतते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जिंदल परिवार के दोनों हाथों में लड्डू हैं। लेकिन सस्पेंस इस बात का है कि जिंदल परिवार 2024 में कौन सी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ेगा। जिंदल परिवार 2024 की पॉलिटिक्स में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, एक टर्निंग पॉलिटिक्स पावर के रूप में अपने आप को साबित कर सकते हैं। जिंदल परिवार अभी तक कहीं पर भी नजर नहीं आया है, ना तो कांग्रेस के मंचों पर नजर आए हैं तो ना ही उन्होंने अभी तक BJP ज्वाइन की है। इसलिए जिंदल परिवार के 2024 के चुनावी फैसले को लेकर दोनों ही पार्टियों की निगाह लगी हुई है। सवाल ये उठता है कि क्या जिंदल परिवार अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस से ही चुनाव लड़ने का काम करेगा या पाला बदलकर 2024 में BJP के झंडे के नीचे जिंदल परिवार के सदस्य चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। हरियाणा की पॉलिटिक्स में 2024 में जिंदल परिवार का फैसला एक बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होगा। नवीन जिंदल एक बिजनेसमैन है और सावित्री जिंदल भी परिवार के फैसले के साथ ही चलती हैं। कोयला घोटाले में नाम आने के बाद जिंदल परिवार अपनी सेफ्टी के लिए पॉलिटिक्स से दूर हो गया था। कहीं ना कहीं BJP के प्रेशर की बात सही साबित होती है, क्योंकि जिंदल परिवार इतनी आसानी से पॉलिटिक्स से अलग नहीं होते। बेशक 2024 के चुनाव को लेकर परिवार दोबारा नए सिरे से अपने पैतरे चलने को तैयार है, सियासी दंगल में उतरने को तैयार है। 2014 के चुनाव में सावित्री जिंदल हिसार से विधानसभा का चुनाव हार गई थी तो इसी तरह नवीन जिंदल भी कुरुक्षेत्र सीट से चुनाव हार गए थे। लेकिन जिस तरह से 2019 के चुनाव में दोनों ही माँ बेटा चुनावी घमासान से दूर हो गए, उससे कई तरह की चर्चाओं ने जन्म लिया। जिंदल परिवार अब बिजनेस के साथ साथ क्या पॉलिटिक्स में दोबारा से लौटेगा, यही सबसे बड़ा सवाल इस समय उभर रहा है। जिस तरह से पिछले एक महीने के दौरान सावित्री जिंदल के सिपाही सालारों ने और टीम ने हिसार में दोबारा से एक्टिव होकर छानबीन शुरू की है, अपने पुराने साथियों को साथ जोड़ने का काम किया है, मीटिंग लेने का काम किया है, उससे ये साबित हो जाता है कि कहीं ना कहीं जिंदल परिवार 2024 के चुनाव में फिर से ताल ठोक सकता है। इसी तरह नवीन जिंदल की टीम ने भी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट के सभी 9 के 9 हलकों में मीटिंगें लेकर हालात का जायजा लेने का काम किया है। नवीन जिंदल ये भांप रहे हैं, ये आइडिया लगा रहे हैं कि 2024 के चुनाव में उनके लिए क्या हालात हैं, क्या संभावनाएं हैं, क्या वो जीतने के संभावनाएं रखते हैं या वो 2024 में चुनाव हार सकते हैं। नवीन जिंदल और सावित्री जिंदल दोनों ही 2024 के चुनाव को लेकर जिस तरह से एक्टिव हुए हैं, उससे इस बात की पूरी संभावना है कि वो 2024 का चुनाव लड़ने का फैसला ले सकते हैं। सावित्री जिंदल अभी तक अंदर खाते कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ नजर आई हैं, क्योंकि कांग्रेस की रैली के दौरान भी उनके समर्थकों की भीड़ रैली में हुड्डा के साथ नजर आई थी। हुड्डा परिवार के साथ नवीन जिंदल और सावित्री जिंदल दोनों के अच्छे रिश्ते रहे हैं और इसलिए पहली संभावना यही है कि वो 2024 में
कांग्रेस के टिकट पर विधानसभा का चुनाव सावित्री जिंदल हिसार से लड़ सकती हैं। इसी तरह नवीन जिंदल भी कांग्रेस के साथ कंफर्टेबल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से 2019 के चुनाव में माँ बेटा दोनों ही पॉलिटिक्स से आउट हो गए, गायब हो गए, उसके चलते 2024 के चुनाव में भी इतना आसान नहीं है कि वो बीजेपी की प्रेशर पॉलिटिक्स को किनारे करके उसे अनदेखा करके कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़ लें। यानी इस बात की संभावना भी है कि 2024 के चुनाव में सावित्री जिंदल हिसार से बीजेपी की टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ लें। हिसार से वर्तमान बीजेपी विधायक और मंत्री कमल गुप्ता को लेकर बेहद नेगेटिव रिपोर्ट है। बीजेपी के टिकट कटने वाले विधायकों की सूची में कमल गुप्ता का नाम भी है। बीजेपी हिसार सीट पर एक नए चेहरे की तलाश कर रही है और ऐसे में सावित्री जिंदल अगर बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ने का फैसला लेती हैं तो बीजेपी के लिए बम्पर गिफ्ट होगा, यानी बीजेपी के लिए हिसार सीट फिर से उसकी झोली में आ जाएगी और बीजेपी यही चाहेगी कि 2024 के चुनाव में हिसार सीट पर वो जीत की हैट्रिक लगाने का काम करे और हैट्रिक लगाने के लिए सावित्री जिंदल से बेहतर प्रत्याशी उसके पास कोई और नहीं है। इसी तरह नवीन जिंदल भी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर बीजेपी के लिए परफेक्ट कैंडिडेट साबित होते हैं। 2014 और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने सैनी प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारकर सांसद बनाया था। 2014 के चुनाव में राजकुमार सैनी सांसद बने तो 2019 के चुनाव में नायब सैनी 6.5 लाख से ज़्यादा वोट लेकर सांसद बने। 2024 के चुनाव को लेकर नायब सैनी की रिपोर्ट भी नेगेटिव है और बीजेपी के टिकट काटने वाले सांसदों की सूची में नायब सैनी का नाम भी है। नायब सैनी खुद भी चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, इसलिए बीजेपी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर नायब सैनी का विकल्प तलाश रही है। वो जहां एक तरफ पवन सैनी और कैलाशो सैनी की तरफ नज़रें गड़ाए हुए हैं, उनका आकलन कर रही है, तो दूसरी तरफ वो नवीन जिंदल को भी विकल्प के तौर पर देख रही है। नवीन जिंदल पवन सैनी और कैलाशो सैनी से ज़्यादा हैवीवेट कैंडिडेट नज़र आते हैं, उनको चुनाव में उतारने पर बीजेपी पूरी तरह से सेफ नज़र आती है। ओम प्रकाश जिंदल और नवीन जिंदल के पैटर्न पर ही बीजेपी 2024 के चुनाव में कुरुक्षेत्र से कैंडिडेट तलाश रही है और ऐसे में नवीन जिंदल की हाँ उसके लिए मुंह मांगा तोहफा साबित हो सकती है। बीजेपी जानती है कि नवीन जिंदल का फार्मूला और नवीन जिंदल का नाम दोनों ही उसके लिए कुरुक्षेत्र में आसान जीत का दरवाज़ा खोलते हैं। बीजेपी कुरुक्षेत्र लोकसभा सीट पर भी जीत की हैट्रिक लगाने का ख्वाब देख रही है, सपना देख रही है और उसके हिसाब से प्लानिंग कर रही है। जीत के हैट्रिक लगाने के लिए बीजेपी के पास भी नवीन जिंदल से बेहतर कोई प्लेयर नहीं है, कोई पॉलिटिशियन नहीं है, लेकिन दिक्कत इस बात की है कि जिंदल परिवार अभी तक बीजेपी में शामिल नहीं हुआ है और जब तक जिंदल परिवार बीजेपी में शामिल नहीं होता तब तक उनके नाम के बारे में, उनके चुनाव लड़ने के बारे में कन्फर्म कुछ भी नहीं कहा जा सकता। लेकिन एक महीने के दौरान जिस तरह से जिंदल परिवार दोबारा से पॉलिटिकली एक्टिव हुआ है, जिस तरह से हिसार और कुरुक्षेत्र में जिंदल परिवार की टीमें सर्वे कर रही हैं, लोगों को मिजाज को भाप रही हैं और अपनी पॉलिटिकल संभावनाओं को तलाश रही हैं, उससे इस बात का आभास तो जरूर मिल गया है कि जिंदल परिवार 2024 के चुनाव में फिर से री एंट्री कर सकता है और चुनावी दंगल में उतर सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिंदल परिवार 2024 के चुनाव में कौन सी पार्टी के चुनाव पर चुनावी दंगल में उतरने का फैसला लेगा। कांग्रेस भी उनके लिए तैयार है तो बीजेपी भी उनके लिए पलके पावड़े बिछाए हुए तैयार बैठी है। यह फैसला जिंदल परिवार को करना है कि वो अपनी पुरानी पार्टी कांग्रेस की नैया पर ही सवार होंगे या इस समय केंद्र और प्रदेश की सत्ता की सरताज बीजेपी के घोड़े पर सवार होंगे। जिंदल परिवार के लिए दोनों ही पार्टियों में जीत की बेहतर मौजूद संभावनाएँ हैं और ऐसे में जिंदल परिवार का फैसला कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही बड़ा फायदेमंद साबित हो सकता है। अब फैसला जिंदल परिवार के हाथ में है कि वो कांग्रेस के साथ जाएंगे या बीजेपी के साथ खड़े होंगे। जिंदल परिवार की पॉलिटिक्स को जानने के लिए, जिंदल परिवार की 2024 की रणनीति को भांपने के लिए और जिंदल परिवार के फैसले को जानने के लिए आप लगातार खरीक न्यूज के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।